फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी ये जो हमने स्कर्ट की कटिंग की थी, आज बताऊंगी इसको स्टिचिंग करना। और ये हमने जो छोटे से कट करके रखे हैं ये वाइट वाले, इसमें हम थोड़ा फ्रंट पार्ट पे डिजाइन बनाएंगे इसका। और ये हमारा इलास्टिक है और इसकी कमर जो है हम रखेंगे 19 इंच, और हमने इसको 17 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है, देख सकते हैं ये हमारा इलास्टिक हो गया। और ये हमने जो फ्रंट पार्ट है उसके नीचे भी अटैच करेंगे हम इसे। और ये हमने जो पैंट का कमर था बेल्ट वो निकाल के रखा है, अभी इसमें हम इसे अटैच करेंगे, इसमें हम इलास्टिक लगा के फिर इसमें हम फिट कर देंगे इसको। और ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और ये बैक पार्ट है, इसमें हमने नीचे घेर पे ये वाइट कपड़ा सिल दिया है, इसमें लगा दिया है। इसी तरीके से हम फ्रंट पे भी लगाएंगे, वो आपको बताऊंगी मैं। इस पे भी हम यहाँ ऐसे अटैच करेंगे। और जो हमने ये छोटे वाइट काट के रखे हैं कपड़े से, इसे हम इस तरीके से यानी 5-5 इंच पे निशान लगा रखे हैं, इसको हम इस तरीके से ऐसे दोनों साइड से इस तरीके से इन्हें हम यहाँ पे अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट पे। अभी चलते हैं मशीन पे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरे पे इसे हम अटैच कर देंगे, जो हमारा बचा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर देंगे। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी सिल सकते हैं ऐसे, और अगर आपको नहीं जमता है आप पहले यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा लेने का इस तरीके से। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरे पे ऐसे सिलाई मार देंगे कोने से, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे पूरे पे हम इसे सिलाई कर देंगे। हमने ये देखो दोनों साइड से ये लगा दिए हैं, अभी हम यहाँ अटैच करना बताएंगे आपको। यहाँ भी हमें सेम ऐसे अटैच करना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें दोनों साइड पे चौक लगा रखी है, इस पर सिलाई लगा देने का इस साइड से भी। ये बीच में जो सिलाई है इसे थोड़ा सा हट के यहाँ पे लगा देने का, एक एक सिलाई ऐसी यहाँ पे भी लगाएंगे हम। फ्रेंड्स, हम इसमें जो है ये डिजाइन पे हम इसको इस तरीके से करेंगे ऐसा, और ये जो हमने मोती लिए हैं रेड कलर के वो लगाएंगे इसमें। अभी इनको क्या करना है, पहले इस तरीके से सिलाई नहीं मारने का, हम सुई से करेंगे ऐसे कर लेने का। पहले एक भाग पे सुई लगाना है, फिर दूसरे भाग पे
इस तरीके से। फिर इसमें ये मोती बिठा देने का ऐसे इस तरीके से। फ्रेंड्स ये हमारा जो हमने यहाँ पे डिजाइन था ये बना दिया है, ये इस तरीके से बनाने का है। इसको पूरा अटैच कर दिया है इसमें और यहाँ दोनों साइड वाइड कपड़े से सिल दिया गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। पहले बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे जहाँ भी ओवरलॉक की जगह है हम यहाँ पे कम से कम आधा इंच पे सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स हमने दोनों पार्टे अटैच कर दिए हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट जॉइन करेंगे पहले इसे इस तरीके से यहाँ पे। इसको इस तरीके से हम इसको डबल सिलाई लगाएंगे, ऐसा फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स हमने ये जो बेल्ट है ये अटैच कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से यहाँ पे इसे यहाँ पे सिलाई मार देंगे पूरे पे। ये जो है ये जो सिलाई है इसको इस तरीके से दबा लेने का, और जितना चौड़ा हमारा ये इलास्टिक है हमने उतना चौड़ा यहाँ इसके लिए जगह रखी है, कम से कम 1.5 इंच। इस पर ऊपर से यहाँ सिलाई लगा देने का, फिर इस पर हम जो है ये इलास्टिक लगाएंगे। फिर ये इलास्टिक हमने इतना रखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, पूरे पेज में सिलाई लगा लेंगे। ये जो है बेल्ट अटैच कर दिया है। अभी हम इसमें ऊपर से यहाँ पे दाब सिलाई लगा लेंगे ऐसे इसके ऊपर से। फिर क्या करेंगे, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पे हमने छोटा सा होल कर रखा है, इसको डालने का ऐसे। फिर यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। फिर ये साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे, हमारा स्कर्ट जो है रेडी हो जाएगा। अभी हम पहले इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इलास्टिक डाल दिया है यहाँ से, जहाँ से आप इलास्टिक डालोगे स्टार्टिंग करोगे यहाँ पे इलास्टिक थोड़ा सील देने का, और हमने इसकी सहायता से ये इलास्टिक डाला था ये इस तरीके से। और अभी क्या करेंगे हम, यहाँ इसको थोड़ा यहाँ भी सिलाई मार देने का। फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इसमें बीच में इस तरीके से इसको खींच के बीचों बीच इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर इसको दोनों साइड से अटैच कर देंगे। फिर हमारा स्कर्ट जो है रेडी हो जाएगा। अभी हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे इस जो ये हैं इसके, इस तरीके से कर लेने का, इनको पूरा खींच लेने का।
तब सिलाई मारना है इसमें। फ्रेंड्स, जब आप पैंट की कटिंग करते हो स्कर्ट बनाने के लिए, खास ध्यान दें ये जो साइड के हमारा पैंट का ये वर्लक का भाग रहता है इसे कट करके ना फेंकें, ताकि हमें इसमें आसानी हो और हमारा ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें वर्लक कर रखा है। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा पहले से ही था पैंट पे, जो पैंट का साइड वाला भाग रहता है। इस तरीके से यहाँ से सिल लेने का, और अपना ये वर्लक भी हो जाता है इसमें। ये खास तरीका है इस कटिंग करने का, इसको कभी फेंके मत साइड से, इसी को अटैच कर देने का। इस तरीके से हमारा इसका रेडी हो जाता है, देख सकते हैं। हाँ, अच्छा सा बन गया, इतना प्यारा सा हमारा ये पैंट से। फ्रेंड्स, हमने जो ये पैंट से स्कर्ट बनाने का जो तरीका आपको बताया था वो हमने कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बना हुआ है। ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमारा आगे का है, ये इस तरीके से बनाया है। आप भी ज़रूर बनाएं ऐसे, अगर आपके पास कोई पैंट पड़ी है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसको हम 18 इंच रखेंगे करके, देख सकते हैं 9 इंच है ये। ये हमारा रेडी हो गया। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हमारा आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।